कोरोना महामारी के चलते क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है तो सारी दुकानें बंद हैं। सभी लोग घर में दुबक कर बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या इंडोर गेम भी खेल रहे हैं, मगर इनकी ज़रूरत की स्टेशनरी व स्पोर्ट्स की दुकानें भी इन दिनों बंद है। मगर सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान मनचलों व बेवड़ों की आवश्यकताओं का पूरा ख्याल रखते हुए शराब की दुकानों को खुली रख रखी है। आज राजसमंद में 100 फीट रोड सिल्वर स्प्रिंग के सामने अचानक 100-200 की संख्या में महिला व पुरुष इकट्ठे हो गए। जब कारण जाना तो आश्चर्य हुआ कि लॉकडाउन के हालात में आबकारी विभाग ने इनके मोहल्ले के बाहर शराब की नई दुकान का उद्घाटन कर दिया। इस पर सभी मोहल्ले वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस दुकान को शीघ्र हटवाने की मांग की है। मोहल्ले वासियों ने कहा कि जब तक यह दुकान नहीं हटाई जाएगी तब तक इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। किस कारण से आप सब लोग खड़े हैं? आप ये यहाँ पर एक नई शराब का ठेका खोलने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर शराब पहुँच चुकी है, उसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। ये सब वार्डवासी 100 फीट रोड पर जो ये नया शराब का ठेका खोल रहे हैं, इसमें दोनों पार्टियों का भी इसमें पूरा सहयोग है। अच्छा। और हम किसी भी सूरत में ये शराब ठेका यहाँ चालू नहीं होने देंगे। अगर ये चालू रहता है तो अनिश्चितकालीन धरने की भी हमारी पूरी तैयारी है। अच्छा, ये नई आवंटित हुई है दुकान या अवैध है? ये नई आवंटित हुई बता रहे हैं ठेकेदार द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है कि यह इस दुकान का अभी नया आवंटन हुआ है, इसके तहत इन्होंने यहाँ की स्वीकृति ली है, ऐसा बता रहे हैं। 100 फीट मानक नगर से बोल रहे हैं, सारी महिलाओं की यही इच्छा है कि 100 फीट पे शॉप नहीं होनी चाहिए। शराब की शॉप अगर हुई तो बच्चों को दिक्कत होगी और सारी महिलाएं यहाँ घूमती है रात को तो दिक्कत होगी। अभी के अभी ये खाली करवाओ, बाकी सारी लेडीज यहाँ बैठी है और धारणा देके आपने जब तक ये खाली नहीं होगी तब तक हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपने प्रशासन को ज्ञापन वगैरह कुछ दिया क्या? हमने दे दिया सब जने को, सब जने आप ही चले गए, देख देख के वापस जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहे हैं। और महिला मानक नगर में 100 फीट रोड पे महिला की सुरक्षा के लिए शराब की दुकान नहीं चाहिए। हम बहन बेटियां बहु सब रात को निकलते हैं तो ये लाइन लगी रहेगी, इसलिए शराब की दुकान को जल्दी से जल्दी बंद करवाएं, नहीं तो हम ये धरना देके यहीं बैठी रहेंगे। महिला की सुरक्षा के लिए हमें शराब की दुकान नहीं चाहिए। जबरदस्त न्यूज़ को ये सूचित करना चाहिए। हाँ, मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोस में एक दारू का ठेका खुल रहा है जो यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए। यहाँ पे सर्व समाज रह रहे हैं और जो समाज रह रहे हैं वो कोई भी दारू नहीं पीते हैं और यहाँ पे खोल दिया है, ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो हम सबकी ये इच्छा है कि यहाँ पे इसको बंद कर दिया जाए और जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक हम सब यहाँ धरना दे करके बैठे हैं और आप सबसे प्रशासन से सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि इसको बंद कराया जाए। यह जो वाइन शॉप ये खुलने जा रही है, हम यहाँ सब शांति और प्रेम से रहने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई माहौल ऐसा बिगड़े और शांति से ही हम चाह रहे हैं कि यह यहाँ नहीं खुले और बाकी अगर खुलेगी तो फिर सीधा एक्शन लिया जाएगा। लड़कियों में भक्तियाँ घिसेंगे या कोई ऐसा माहौल ही होगा जो किसी को छेड़छाड़ करेगा, आगे माहौल ना बिगड़े इसलिए हम चाहते हैं कि ये प्रशासन से विशेष तौर से आग्रह है कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो आबादी क्षेत्र में ये वाइन शॉप का जो काम इन्होंने प्रारंभ करने का स्वीकृति दी है, इसको हम विशेष आग्रह करते हैं तुरंत प्रभाव से इस शहरी क्षेत्र से इसको हटाकर अन्यत्र जगह शिफ्ट किया जाए। यहाँ कोई समुदाय पीने वाला नहीं, यहाँ जिस जगह इन्होंने वाइन शॉप को खोलने की स्वीकृति दी है यहाँ किसी प्रकार का ऐसा कोई समाज नहीं है जो इस प्रकार का ये कार्य यहाँ हो। हम विशेष प्रशासन से यही चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से आप इसको अविलंब यहाँ से हटाए, अन्यथा इसको जब तक ये नहीं हटेगा तब तक धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन धरना रहेगा यहाँ पर।